मैं सीताराम शर्मा, खान पान लाइसेंसी, जयपुर रेलवे स्टेशन जयपुर से बोल रहा हूँ। वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इतने इतने घोषणाएं करते हैं, भी इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, पता नहीं कहाँ जाते हैं। हमें तो प्रशासन की तरफ से, मेरे को तो क्या, पूरे इंडियन रेलवे में किसी भी वेंडर को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। रेलवे बोर्ड से निवेदन है कि हमारी सबकी लाइसेंस फीस माफ की जाए। की हाल चाल है, काम करता इतने स्टेशन थे लुधियाना। कोविड-19 के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और रेलवे पैसेंजर कम होने की वजह से हम अपनी लाइसेंस फीस भरने में असमर्थ हैं। रेलवे बोर्ड से निवेदन है कि हमारी सबकी लाइसेंस फीस माफ की जाए और कोविड-19 के चलते हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कम से कम 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाए। पहले दौर में ट्रेनें चल नहीं रही थी, बंद थी, फिर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, वो भी नाम मात्र के लिए। लेकिन कोविड से प्रभावित जो यात्री यात्रा कर रहे थे वो डर की वजह से अपना खान पान का सामान घर से लेके चलते थे, इसलिए स्टेशन पर स्थित स्टालों पर बिक्री नगण्य हो गई, वेंडर भाई भुखमरी के शिकार होने लगे। ये स्टॉल आपने क्यों खोल रही हैं जब यहाँ कोई यात्री आ ही नहीं रहे, तो आपने स्टॉल क्यों खोल रही हैं? प्रशासन की तरफ से आदेश है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कम से कम एक आधी यूनिट तो खोला ही जाए। आदेश तो सभी यूनिट को खोलने के हैं, लेकिन कस्टमर और ट्रेनों के ना होने के कारण हमने सिर्फ एक ही यूनिट को खोला हुआ है। पहले हमने खोले थे 4-5 यूनिट, लेकिन काम ही नहीं है। अब लेबर वाले को तो उसको दिहाड़ी चाहिए, मैं कितने दिन और कब तक दे पाऊँ उनको। तो सरकार की तरफ से आपको कोई आर्थिक मदद मिली है या नहीं? सरकार की तरफ से आर्थिक मदद को तो छोड़िए सर, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपनी लाइसेंस फीस जमा कराऊं। हमारे यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे ठेकेदारों की यूनियन है, उसकी तरफ से माननीय रेल मंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया गया है कि हमारी लाइसेंस फीस माफ़ की जाए और कम से कम जितने भी हमारे वेंडर हमारे जो यूनिट हैं, मतलब इनको 50,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाए। वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इतने इतने घोषणाएं करते हैं, भी इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, पता नहीं कहाँ जाते हैं। हमें तो प्रशासन की तरफ से, मेरे को तो क्या, पूरे इंडियन रेलवे में किसी भी वेंडर को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन दूसरी लहर उस तो भी खतरनाक आई है, लेकिन सानू इन्होंने बंद कर दी, बारे कोई हुक्म नहीं किया, जिस करके असं बड़े जोखम के बीच जरा अपना स्टाफ खोलते हैं, लेकिन काम करते है नहीं गा बिल्कुल भी। इस करके असी रेलवे डिपार्टमेंट को बेनती करते हैं कि साड़ी सारी लाइसेंस फीस है जी माफ़ की जाए और प्रति यूनिट साढ़े हर बंदे 50,000 की रेलवे वालों सहायता दी जाए। यहाँ जयपुर स्टेशन पे सभी खान पान इकाइयों पे सामान खाद्य पदार्थ फुल भरे हुए हैं, पर खरीदार नदारद है। गाड़ियां आ रही हैं और गए कोविड से भी ज़्यादा स्थिति दयनीय है, गाड़ियों में सवारियां नहीं हैं, जो सवारियां हैं वो खरीदने से परहेज करती हैं। हमने रेल प्रशासन से गुजारिश की थी कि हमारी लाइसेंस फीस शून्य की जाए, परंतु अभी तक रेल प्रशासन ने हमारी लाइसेंस फीस के बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं की है। गए कोविड में जो स्थिति थी उससे भी बहुत बदतर स्थिति इस कोविड की लहर में है। हमारे रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल ही किराए की नहीं होती है और हमारा खर्चा ही नहीं चलता है और हमारे कर्मचारियों को घर चलाने के और हमारा ही घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सरकार को हमारी लाइसेंस फीस और हमारे फूड वेंडर और सेल्समैनों के लिए रात पैकेज के लिए सरकार को कम से कम 50,000 रुपए की रात पैकेज देना चाहिए। और सरकार से मांग की कि इस दौरान हमारी जो लाइसेंस फीस है और लाइसेंस फीस पर लगने वाली जो GST है इसको सरकार समाप्त करें। सरकार ने कुछ स्टेप लिए लेकिन लाइसेंस फीस माफी के लिए कोई निर्देश मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किए गए।
जिसकी वजह से बड़े उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब ये दूसरी जो लहर आई वो पहली लहर से बहुत ही खतरनाक है और बिल्कुल यात्री सफ़र नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो चुपचाप आगे ट्रेन में बैठ के निकल जा रहे हैं, स्टालों से कोई ख़रीदारी नहीं हो रही है। और इतनी खतरनाक लहर में भी हम लोगों ने मिलके रेलवे के नियमों का पालन करते हुए अपने यूनिट्स खोले, लेकिन परिणाम ये रहा बिक्री जीरो रही, ना तो रेल की लाइसेंस फीस निकल रही है, ना अपना खर्चा निकल रहा है, ना बिजली पानी का खर्चा निकल रहा है। ऐसी स्थिति में लोग बहुत परेशान हैं और बहुत सारे स्टेशंस जिसमें अधिकांश संख्या ऐसी है जो बड़े स्टेशनों से ट्रेन छूटती हैं और 300-400 किलोमीटर के बाद जाके रुकती हैं, बीच के स्टेशनों पर नॉन स्टॉप होते हुए निकल जाती हैं, वहाँ के लाइसेंसी भाई बिल्कुल भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता का ऐलान नहीं किया, ना आर्थिक सहायता प्रदान की, ना ही लाइसेंस फीस माफ़ की, ना ही GST माफ़ की, ना ही बिजली माफ़ की गई, बिजली के बिल माफ़ किए गए, ना ही पानी के बिल माफ़ किए गए। और तरह तरह की तमाम तरह की परेशानियां अलग से भुगत रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसी के पास भी अपना जीवन बसर करने की आमदनी नहीं है। हमारा रेल प्रशासन से आग्रह है कि समस्त खान पान इकाइयों को 50,000 रुपए की तुरंत सहायता प्रदान करें, जिससे खान पान लाइसेंसी एवं उनके वेंडर अपना जीवन बसर कर सकें।